सुशासन है जिसकी पहचान। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सपनों के उत्तर प्रदेश को वास्तविकता के धरातल पर उतार रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। बहुत ही आदर के साथ हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार श्रीमती स्मृति ईरानी जी, प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री श्री सुरेश पासी जी, श्री मोहसिन रजा जी, मान्य विधायक श्री महेंद्रेश्वर शरण सिंह जी, मान्य विधायक श्रीमती गरिमा सिंह जी, मान्य विधायक श्री दल बहादुर कोरी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और पिछले एक सप्ताह के अंदर देश के अंदर घटित घटनाओं ने दुनिया के अंदर भारत और नए भारत के जिस तस्वीर को प्रस्तुत किया है, उस तस्वीर को प्रस्तुत करने के बाद उत्तर प्रदेश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह पहला दौरा है जब पाकिस्तान के अंदर आतंकी शिविरों को नष्ट करने और भारत के विंग कमांडर को सुरक्षित वापस पहुंचाने की जिस जोरदार भारत की पहचान को और भारत की ताकत को दुनिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के जवान, एयरफोर्स के जवानों ने प्रस्तुत किया है, भारत के एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में आगमन पर मैं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, एक सप्ताह के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सफलता की नई नई ऊंचाइयों को चढ़ रहा है। आस्था का सम्मान कैसे होता है, कई सरकारें आई, आजादी के बाद से किसी ने उधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आस्था का सम्मान होना चाहिए और अक्षय वट श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए खुलने चाहिए। जहां ये कार्य गंगा पूजा से कुंभ मेले की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, तो समारोह के पूर्व भी उस आस्था को सम्मान देने और स्वच्छ भारत मिशन के अंदर लगे हुए स्वच्छता कर्मियों का सम्मान पाद प्रक्षालन के माध्यम से पहली बार हुआ है। मैं भारत के समाज के सबसे उस चौथे पायदान पर खड़े हुए उन लोगों की ओर से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जो कभी नहीं हुआ वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है, और इसलिए भी मैं स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर एक आंदोलन बन चुका है, तो स्वच्छ भारत मिशन की आहट ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के कैंपों को भी नष्ट करके स्वच्छता के एक अभियान पाकिस्तान तक भी पहुंचा दिया है, और इसलिए स्वच्छ भारत मिशन भारत के अंदर गरिमा का प्रतीक बना है। तो पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों को नष्ट करने का अभियान भी बना है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि देश आज हर क्षेत्र में बड़े गौरव के साथ सीना तान करके आगे बढ़ रहा है।
क्योंकि आज हम सब जानते हैं हमारा ये उत्तर प्रदेश 2014 के पहले बीमारू राज्यों की श्रेणी में था। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की गरिमा के अनुरूप आगे बढ़ाने के बारे में पिछली सरकारों ने कभी कोई आगे बढ़ाने की कोई सोच नहीं थी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश में ही काशी से सांसद के रूप में चुन करके न केवल काशी की कायाकल्प करने हुए अपितु पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके जो कार्य योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार ने प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तमाम क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और बंधुओं, यह इसलिए संभव हो पाया है, यह नामुमकिन था, यह हुआ क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। आज उत्तर प्रदेश डीबीटी के क्षेत्र में डायरेक्ट ट्रांसफर ट्रांजेक्शन के माध्यम में, जिसमें इसी अमेठी से चुने गए एक सांसद जो देश के प्रधानमंत्री बने थे और जिन्होंने कहा था कि एक रुपया भेजता हूं नीचे 10 पैसा जाता है, कारण था उनकी लाचारी, कांग्रेस के घिरे हुए दलालों से देश को लूट खाने वाले और देश को पूरी तरह नोचने वाले उन लोगों के उन लाचार की उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री ने दिखाई थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाचारगी नहीं दिखाई, उन्होंने कहा एक रुपया भेजूंगा तो गरीब के खाते में जाएगा और गरीब के खाते में जाएगा, इसके लिए उन्होंने जनधन अकाउंट के माध्यम से डीबीटी उसके खाते में सीधे पैसा भिजवाने की जो पुख्ता व्यवस्था की, मुझे गौरव की अनुभूति है। उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में डीबीटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और यहां के प्रत्येक नागरिक को डायरेक्ट ट्रांसफर ट्रांजेक्शन के माध्यम से जो बेनिफिट मिला है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर एक पर आया है। ग्राम्य विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शहरी आवास योजना या स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सर्वाधिक इज्जत घर निर्माण का हो या ई टेंडरिंग के माध्यम से अगर आज उत्तर प्रदेश नंबर एक पर आया है तो यह नामुमकिन को मुमकिन इसलिए हम कर पाए क्योंकि हमारा नेतृत्व मोदी जैसा दुनिया का एक सर्वोच्च लोकप्रिय नेता कर रहा है। मित्रों, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आप सब जानते हैं इससे पहले भी आतंकी हमले हुआ करते थे, आतंकी हमले इससे पहले भी हुआ करते थे। 2008 में मुंबई में क्या कुछ नहीं हुआ था, वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी देश ने देखे थे। आतंकवाद से निपटने की बात भी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, याद करिए 14-15 फरवरी का वह दिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और 13वीं के एक दिन पहले उन सभी आतंकवादियों का काम तमाम करने का कार्य एयरफोर्स की हमारी जम्मू कश्मीर की यूनिट ने जिस प्रकार का एयर स्ट्राइक किया उसका परिणाम आपने देखा होगा, हर व्यक्ति अचंभित था। और यह इसलिए हो पाया, और यह ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ हो, इससे पहले उड़ी में हुआ सर्जिकल स्ट्राइक का मामला रहा हो, म्यांमार के अंदर आतंकवादियों को आपने देखा होगा, पूर्वोत्तर के भारत के सभी आतंकवादियों को एक ही बार में नष्ट कर दिया। आज पूर्वोत्तर का भारत शांत है और पूर्वोत्तर के भारत के अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विकास के मुद्दे पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बना देने का नाम ही मोदी है। हम सबको अपने से नेता पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हम सब जानते हैं, हर लोग बोलते थे करोड़ों माताओं की आंसुओं को पोंछने का जो नामुमकिन कार्य था, ये अमेठी तो बीबी बीबी आईपी क्षेत्र था, केवल वीआईपी नहीं, केवल वीवीआईपी नहीं, वी आईपी क्षेत्र था, लेकिन यहां भी यहां की माताओं के आंसुओं को पहुंचने के लिए रसोई गैस नहीं पहुंच पाती थी और गरीबों के घर में तो कतई नहीं पहुंच पाती थी। 60 साल लग गए, नहीं हो पाया, लेकिन अगर यह नामुमकिन को मुमकिन बनाने का कार्य आज संभव हो पाया, क्योंकि हमारे पास यशस्वी नेता के रूप में मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन उपलब्ध हुआ है, और मुझे लगता है कि अगर मैं अमेठी और रायबरेली की बात करूं तो अमेठी में 1,05,894 परिवारों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, और रायबरेली में 1,95,194 परिवारों को प्राप्त हुआ है। याद करिए, ये जो बीबी बीबीआईपी क्षेत्र था, क्या कर रहा था यहां का नेतृत्व? यहां के गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दिला पा रहा था, यहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं दिला पा रहा था। बिजली के कनेक्शन की स्थिति भी अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब के घर में उजाला पहुंचाने का कार्य, बिजली पहुंचाने का कार्य किया, और रायबरेली में 78,053 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, और अमेठी में 68,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने अभी 24 फरवरी को गोरखपुर में लघु और सीमांत किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की। उत्तर प्रदेश का 2,14,00,000 किसान इससे लाभान्वित होने जा रहा है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले अमेठी के अंदर 73,000 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, और रायबरेली के अंदर 1,24,000 से अधिक किसानों ने इस योजना का लाभ पाया है। आयुष्मान भारत में आपके अमेठी के अंदर 1,26,000 परिवार सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं, और रायबरेली के अंदर 2,27,000 परिवार आयुष्मान भारत में 5,00,000 रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की योजना से लाभान्वित होने का कार्य कर रहे हैं। क्या ये कार्य इससे पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव था, गरीबों के प्रति संवेदना नहीं थी, केवल झूठे नारों के आधार पर देश और दुनिया के अंदर भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयास एक परिवार के द्वारा किया जा रहा था, उसके तहत गरीबों के प्रति उनके मन में संवेदना नहीं थी, और इसके कारण वह आपके घर में न बिजली दे सकते थे, न रसोई गैस का कनेक्शन दे सकते थे, न आवास दे सकते थे, न शौचालय उपलब्ध करा सकते थे। उनके मन में, आपके मन में, उनके मन में आपके लिए कोई पीड़ा नहीं थी, न किसानों के सम्मान की बात करते थे, वो जाति के आधार पर मत